मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसकी सजा भी मुझे मिल चुकी है। मैं कह देना चाहती हूँ कि तुम जहाँ पर भी आए हो, कोई बात नहीं लक्ष्मी, होता है ऐसा होता है। दी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो है नहीं, पता नहीं लक्ष्मी के साथ क्या करेंगे आप। यकीन मानो हम सब समझ सकते हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और इस वक्त क्या आप लोग ड्रीम गर्ल को इतना उदास देखना चाहते हैं? तो लेट्स डू समथिंग टू चीयर हर अप। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। किसी चीज को बहुत मेहनत और लगन से पाने की कोशिश करो तो वो तुम्हें जरूर मिल जाती है। और इस बात को प्रूव किया है लक्ष्मी माथुर, और इस बात को प्रूव करने के लिए लक्ष्मी माथुर यहाँ अकेली नहीं है, एक और शख्स है जिन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। इस इंसान के सामने जबकि सब कुछ अवेलेबल था, सब उसके कदमों में था, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। देखेगा तो पागल हूं। अब लड़की जमाने से डरती है, मतलब प्यार तो करती है। जिस रास्ते पे अगर तुम अपने आप को संभाल लो तो तुम्हें मंजिल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मंजिल खुद ब खुद तुम्हारे पास आने के लिए बेताब हो जाती है। अगर किसी का बहुत इंतजार हो तो उसके बारे में ज्यादा बातें करके इंतजार बढ़ाना अच्छा नहीं। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड कॉल अपॉन स्टेज वेरी वेरी टैलेंटेड, द मोस्ट प्रॉमिसिंग फ्यूचर सुपरस्टार समर सलीम। आज कहाँ रह गया? आज मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे, तुम जरूर आओगी। प्लीज आ जाओ। कहीं तुम बैकस्टेज तो नहीं हो? लक्ष्मी माथुर,
समर सरी। क्या कर रहे हो? मैं तो समोसे की डिलीवरी करने आया था। तुम तो सरीन हाउस में समोसे बेचने के लिए आते जाते रहते हो। प्लीज मुझे वहां ले चलो। मैं बात करके आता हूँ। तुम जा सकती हो। तुम नहीं चलोगे? नहीं, मुझे घर पर काम है ना। मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। सॉरी आशा, मैंने तुम्हें इंटरप्ट किया। बात यहां समर की बात चल रही है और मैं कुछ ना कहूं, ऐसा हो सकता है क्या? आई एम सो हैप्पी फॉर यू, लुकिंग हैंडसम। कैन आई हैव द माइक प्लीज? ऑफ कोर्स। हमेशा से मुझे इस दिन का इंतजार था जब मेरा भाई समर पहली बार दुनिया के सामने आएगा, और लो आज वो दिन आ ही गया। लॉन्च समर का हो रहा है और नर्वस मैं हो रहा हूँ। दरअसल ऐसा नहीं है कि समर पहली बार दुनिया के सामने आ रहा है, वो समोसे वाला जो नवरंग स्टूडियोज में समोसे डिलीवर करने आता था, सरदार जी, वो और कोई नहीं बल्कि खुद समर सरीन ही था। मेरे करियर की शुरुआत में मैं एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहता था, एक समोसे वाले की कहानी थी वो, लेकिन किसी वजह से वो फिल्म बना नहीं पाया। अपने लॉन्च के लिए समर को वही स्क्रिप्ट पसंद आई, और 6 महीने तक समर ने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर एक समोसे वाले की जिंदगी जीना शुरू कर दी। कड़ी धूप में साइकिल पर वो समोसे बेचता, और जो पैसे वो कमाता उसी में अपना बसर करता। समोसा ले लो। उसने एक आम आदमी की जिंदगी जीना शुरू कर दी। उसने उसके दर्द को महसूस किया, ताकि वो दर्द वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सके। जब एक एक्टर नया कैरेक्टर प्ले करता है तो उसका नया जन्म होता है। वो अपनी पुरानी चीजें भूलकर नई चीजें अपनाता है। आज मैं कह सकता हूँ कि समर का आज नया जन्म हुआ है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू समर। You are going to say something. जिनसे आप प्यार करो उनसे दूर रहना आसान नहीं। 6 महीने अपने घर से दूर रहकर ही समझ में आ गया कि अपनों की इंपॉर्टेंस क्या होती है और उनकी पहचान क्या। 6 महीने एक समोसे वाले की जिंदगी थी, और उन 6 महीनों में मन में इतने सवाल आए जो शायद पूरी जिंदगी में नहीं आए। आखिर एक आम आदमी, एक गरीब इंसान, एक समोसे वाला जवाब की उम्मीद भी रखे तो किससे और क्यों? उसे तो उतना भी हक नहीं होता कि हाथ आगे बढ़ाए और खुशी को अपनी ओर मोड़ ले। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि एक समोसे वाले की जिंदगी कामयाबी से निभाई है। मैं जिंदगी के बारे में कहूंगा तो बस इतना ही कह सकता हूं कि हम सबकी जिंदगी में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करने में हमारी मदद करते हैं। मेरे मॉम डैड ने मुझे सिखाया कि औरों की रिस्पेक्ट करने से पहले खुद की रिस्पेक्ट होना कितना ज्यादा जरूरी है। थैंक यू मॉम, थैंक यू। और फिर वो लोग जिनको आप नजरें उठाकर देखना चाहते हैं। मेरी जिंदगी में वो मेरे बड़े भाई। भाई अगर मैं 10% भी आपकी तरह बन गया तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा।
फिर वो लोग जिनकी नजरों से आप खुद को देखना चाहते हैं। मेरी आयशा भाभी, भाभी आप जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस, मेरी फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, जब आप मेरी तारीफ करते हो तो मैं आपको बता नहीं सकता मुझे अपने आप पर कितना गुमान होता है। आई लव यू भाभी, यू आर द बेस्ट। एंड फाइनली वो लोग जिनकी नजरों में आप खुद को देखना चाहते हैं। अब समर सरीन की जिंदगी में तो ऐसा कोई नहीं है। रात समोसे वाली की बात करूं तो गरीबों के जज्बात नहीं होते, और ये मैं साफ साफ कह सकता हूं क्योंकि एक गरीब समोसे वाले की जिंदगी जी है मैं। हाँ, ये नहीं कहूंगा कि उसकी जिंदगी बहुत खराब थी, सब कुछ बुरा ही हुआ, लेकिन उसके साथ अच्छा भी नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने पूरी ईमानदारी से जिंदगी जी। हाँ, कभी कभी भटक गया था अपने मुकाम से, अपनी ख्वाहिशों के पीछे, लेकिन फिर लक ने मेरा साथ दिया और कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने मुझे सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। तब जाके मैंने अपना वर्कशॉप खत्म किया और आज मानव सरीन के नजर में मैं इस किरदार के लिए तैयार हूँ। सो आई एम रेडी फॉर दिस फिल्म इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री जहाँ पर हर टाइप के इमोशन बिकते हैं और सबसे महंगा बिकता है प्यार और दर्द। तो आज एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, एक आम इंसान रात समोसे वाले का प्यार और दर्द बेचने आया। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए। तो दोस्तों, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं मेरी फिल्म के हीरो और हीरोइन से, समर सरीन एंड द न्यू ड्रीम गर्ल लक्ष्मी माथुर। देर से जब मैं स्पीच बोलने वाली थी तब मैं वक्त तुम्हें ढूंढ रही थी राज, लेकिन तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। तुम्हें पता, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें इतना फोन करने की कोशिश की कि फोन ही नहीं मिल रहा था। आज तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कल रात को चले गए थे तब मैं तुम्हारे पीछे भागती भागती भी आई थी। इतनी जरूरी बात करनी थी मुझे तुमसे। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। थोड़ा तो हिंट दे देते ना, पता नहीं कब से ढूंढ रही थी। तुमने मेरा भी इसलिए लिखा था ना, फिर मिलेंगे। पता था तुम, अब समझ रही हो सब कुछ। तुम जानते हो ये मेरा पहला प्यार है। कॉन्टेस्ट के बाद में तुम्हें बताने वाली थी, मौका ही नहीं मिला। आप लोग क्या पहले से एक दूसरे को जानते हो? नो, एब्सोल्युटली नो, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। क्या बोल रहे हो तुम राज? मैं तुमसे Do I know you? हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि आज मेरे कैरेक्टर का नाम है, मेरा नाम समर सरीन है। So it's better if you address me with that name. वैसे congratulations.
लक्ष्मी तो अभी इस शौक से बाहर भी नहीं आ पाई है कि वो ड्रीम गर्ल बन गई है, तो गिव हर सम टाइम, वो आपको खुद ब खुद इंटरव्यू देगी। अब फिलहाल आप सबके लिए बफे अंदर रेडी है, कम ऑन लेट्स प्रोसीड। मैम वन क्वेश्चन प्लीज, मैम मेरे साथ आइए। इतनी बड़ी गलती कर दी कि तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे राज? क्या हुआ लक्ष्मी? आज तो बहुत बड़ा दिन है, जिस सपने को पूरा करने के लिए तुम जोधपुर से बॉम्बे तक आई थी, लो पूरा हो गया। लेकिन कितनी अजीब बात है, इतने बड़े दिन पर भी तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नजर नहीं आ रही। क्या हो गया लक्ष्मी? कहीं खुशी का पैमाना तो नहीं बदल गया, या फिर कोई इतना बड़ा गम मिल गया कि खुशी उसके सामने छोटी सी हो गई? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? एक तो लक्ष्मी तुम्हें सही जगह पर सही चीज करनी आती ही नहीं है। अगर यही मोटे मोटे आंसू तुम स्टेज पे बहा देती तो मीडिया वालों को लगता कि इतना बड़ा टाइटल जीती है, खुशी के आंसू होंगे। लेकिन अगर इस वक्त कोई तुम्हें ऐसे देख लेगा तो क्या समझेगा, सोचेगा पता नहीं लक्ष्मी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी कीमत अदा कर रही। ऐसे लक्ष्मी किस गलती की कीमत अदा कर रही है? राज समोसे वाले का प्रपोजल रिजेक्ट करके तुम्हारे हाथों से शोहरत भी गई और समझ सरीन भी। हाँ मुझे सब पता है, तुम्हें राज समोसे वाले से प्यार है ना, और राज समोसे वाला तो समझ सरीन है। इस तरह रो मत, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है क्या कि तुम ड्रीम गर्ल बन गई हो? इस तरह पब्लिकली ऐसा बिहेवियर, प्लीज डोंट क्राई। मैंने तो तुम्हें कहा ही था ऊंचाई पर अक्सर तन्हाई होती है, और तुम्हें तो अकेलेपन से घबराहट भी होती है। मेरे पास तो मानव है और हमेशा रहेंगे, लेकिन तुम तो एकदम अकेली पड़ गई हो। अब इस घबराहट को कैसे हैंडल करोगी, कुछ सोचा? पछता रही होगी ना, सौदा महंगा पड़ गया, ना प्यार मिला ना शौक। बट द गुड न्यूज इज कि तुम ड्रीम गर्ल का टाइटल जीत गई, या फिर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें जीतने दिया, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि ड्रीम गर्ल तो कितनी बनी और कितनी गई। कई बार एक मूवी करके गुमनामी में ऐसे गायब हुई कि कभी उनका दोबारा नाम भी नहीं सुना। जिंदगी तो अब शुरू होती है, अब देखेंगे कि तुम कितनी हिम्मत से इस टाइटल को हैंडल करती हो। और अगर किसी का दिल टूटा हुआ हो तो हिम्मत भी ज्यादा दिन तक साथ नहीं देती।